9:30 टाइम हो गया है और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। हो गया है और मैं धोती ना 11 बजे ये हमारा सामान इतना सारा, तो ये अभी रोड पे पहुंचाना है। और यहाँ पे दादी बैठ रखे हैं, ये देखो दादी प्रणाम। हैं घास निकालने के लिए खेत में, और यहाँ पे शीतल तो निकाल रही है घास। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है आपका इन खूबसूरत वादियों से सोनिका ब्लॉग्स में। अभी ना करीब सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है, तो आज हमारी है जाने की तैयारी। तो मैं अभी ना हम तैयार भी नहीं हुए हैं और नाश्ता ना दादी ने दिया था, तो अभी नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखे, कल के ब्लॉग में मैंने बताया था गैस खत्म हो रखा था, यहाँ पे चूल्हा जला रखा है और चाय ना गर्म हो रही है चूल्हे पे ही, देखिए। तो अब ना हम नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद तैयार होंगे। गाड़ी वाला भी आ जाएगा 9:30 बजे तक, और सामान भी है पहुँचाने के लिए रोड पे बहुत सारा, तो उसको भी पहुँचा देंगे हम रोड। 9:30 टाइम हो गया है और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और गाड़ी वाला भी आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सामान इतना सारा, तो ये अभी रोड पे पहुँचाना है। तो मैं फटाफट से ना सामान लेके जाती हूँ तब तक रोड पे, और फिर आना मैंने सामान। सामान वगैरह भी हमने ला दिया था रोड पे, और हम निकल गए हैं गांव से गाड़ी पे। तो ये देखिए, ये हमारी गांव की रोड, और यहाँ पे ना छतरी भी बन रखी है और ये खोली भी बन गई है गांव में, अब पहले तो नहीं थी। और हम निकल गए हैं, तो ये दिख रहा है हमारा घर, तो बाय बाय घर। और नीचे दिख रहा है भैरव देवता का मंदिर। तब देखिए आप भैरव देवता का मंदिर, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ जरा मैं आपको। तो ये है हमारा भैरव देवता का मंदिर जो रोड से सीधे नीचे दिखता है। और ये है लमगांव मार्केट। तो हम लमगांव मार्केट पहुंच गए हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पे गाड़ी खड़ी रही, वो भैया सामान ले रहे थे, तो मैं ना इस गाड़ी पे लमगांव तक ही आई। लमगांव से मुझे जाना था अपने ससुराल धोंतरी सीरी, और मैं ना गाड़ी पे बैठ गई हूँ ससुराल के लिए, और यहाँ से गाड़ी निकल पड़ी है धोंतरी के लिए। तो ये है हमारा लमगांव मार्केट, थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाई मैं। तो यहाँ से हम निकल गए हैं, तो 11 बजे के लगभग ना मैं धोंतरी मार्केट पहुंच गई थी। तो ये रहा धोंतरी मार्केट, तो धोंतरी मार्केट में मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है। 11:30 टाइम हो गया है और मैं धोंतरी ना 11 बजे के लगभग पहुंच गई थी, तो लमगांव से तो गाड़ी मिल गई थी, बट धोंतरी से ना अब भी मिल रही गाड़ी, तो गाड़ी पे बैठ गई। पता नहीं किस टाइम जाएगी गाड़ी, अब जैसी गाड़ी जाएगी वैसे मैं भी जाऊँगी। अभी ना 1:45 टाइम हो गया है और मैं ना अब जाके घर पहुँच रही हूँ। तो मेरे साथ शीतल भी है, तो शीतल मुझे धोंतरी में मिल गए थे, स्कूल से आए, इनके पेपर चल रहे आज का, और ये और मैं साथ ही आई धोंतरी से, फिर फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे दादी बैठ रखे हैं, ये देखो दादी प्रणाम। दादी मिल गई मुझे और मैं पहुंच गई हूँ घर। तो ये देखिए हमारा घर, और यहाँ भी अच्छी खासी धूप लग रखी भाई। और यहाँ पे देखिए दुधियाड़ माता पे ना पूरा पेंट हो चुका है, पूरा कलर हो गया है। जब मैं गई थी तब ना व्हाइट व्हाइट पेंट हो रहा था, और अब पूरा हो गया है। और यहाँ पे देखिए, ये है जाग देवता का मंदिर, और यहाँ नीचे ना पशु जा रखे चलने के लिए। और लोगों ने ना खेत में गेहूँ भी बो दिया है किसी किसी ने, और कुछ कुछ बो भी रहे हैं। तो अभी ना 2:30 बज चुके हैं और खाना पीना भी हमारा हो गया है। और यहाँ देखिए मेरे ससुराल में ना अच्छी खासी धूप लग रखी है अभी, या तो शाम तक धूप रहती है, और मायके में ना अब तक धूप चली जानी थी, तो आज मैं ससुराल आ गई हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े धोने के लिए जो मैं पहन के लाई थी, उनके इनको धो देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सास जी ने ना कद्दू रख रखे है धूप पे सुखाने के लिए, ताकि ये ना अच्छे से सूख जाए और ख़राब ना होए। पर ये ना ये वाला बंदर ने खा रखा है, इसलिए ना ये आधा ख़राब सा हो गया है। और सास जी तो घर पे है नहीं, शायद गारंटी रोजगार का काम चल रहा है इधर, तो गारंटी रोजगार के काम पे जा रखे हैं। और घर में शीतल और मैं ही हैं, ससुर जी तो ड्यूटी जा रखे हैं, और शीतल भी अभी ना आराम कर रहे हैं, स्कूल से आए अभी, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। मेरा काम है कपड़े धोना, थोड़ा मेरे कपड़े धोने के लिए उन्हें धो देती। तो हम अभी दूसरे वाले घर में आ गए हैं, और यहाँ पे शीतल ने ना गाय निकाल दी बाहर, ये देखिए। तो यहाँ पे गाय का बछड़ा भी आ गया है बाहर। और सामने देखिए, सामने हमारी लौकी लगी हुई है पेड़ पे, पेड़ पे मतलब लौकी की बेल पे लग रखी है, और पेड़ पे ना इसका वो बेल जा रखी है, तो पेड़ पे ही लगी हुई है। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लौकी है। तो अब ना हम घास निकालने जा रहे हैं शीतल और मैं, गोबर ना बाद में निकालेंगे, देखी जाएगी। अभी फिलहाल पहले घास काट लेते हैं गाय के लिए, क्योंकि गाय के लिए ना घास रहने रखा होगा। सास जी भी गारंटी वही जो काम चल रहा है इधर गारंटी का, वही उसी में बिजी है, तो घास कम ही है। तो अब हम जाते हैं घास निकालने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना काफ़ी चेंज हो गया है, जो हमारी गोबर की मरास थी ना वो भी खाली हो चुकी है, तो ये ना इन्होंने आजकल बीच में ही डाला होगा खेतों में। और यहाँ पे देखिए, ये कद्दू की बेल जा रही है, और इस पर ना लग रही है लौकी, एक छोटी सी लौकी लग रखी है यहाँ पे।
तो हम पहुंच गए हैं घास निकालने के लिए खेत में, और यहाँ पे शीतल तो निकाल रही है घास, और मैं जाऊंगी इस वाले खेत में घास निकालने के लिए। तो अब निकालते हैं फटाफट से और मिलती हूँ आपको घास निकालने के बाद। तो अभी ना 5 बज गए हैं और अब जाके हमारा घास पूरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हम दोनों ने ना एक पुला एक काटा और ये एक काटा, तो दो ही पुले घास काट रखे हैं। तो अब हम जाते हैं घर घास को लेके। और अभी ना 6:45 टाइम हो गया है और हम ना यही हैं दूसरे वाले घर पे अभी। तो अब हम घर जाएंगे यहाँ से। तो सास जी भी आ गए हैं और सास जी तो गाय से दूध निकाल रहे हैं, तो मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। यहाँ पे ना सास जी ने लौंग की ला दी है तोड़ के, तो पेड़ वाली तो वही है खैर, पर दूसरी जगह से लेके आए हैं। तो ये देखिए, ये लौकी है और इसको अभी घर लेके जाएंगे। अभी ना 7:30 टाइम हो रहा है और सास जी ना खाना बना रहे हैं, तो ससुर जी ना खाना खा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ना हम भी खाएंगे खाना। तो आज से आप कल से ना आपको ससुराल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।